please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और न्यूज 18 इंडिया के चर्चित डिबेट शो आर पार में कल बतौर गेस्ट आए कांग्रेस नेता राजीव त्यागी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। राजीव त्यागी ने बहस के दौरान शो के एंकर अमिश देवगन के लिए एक बार नहीं बल्कि कई बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। तुम्हें बात नहीं सुननी तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाए। और ये धमकी मत करो। ये धमकीबाजी देना बंद। मैं नहीं सुनने वाला। करो बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। डिबेट शो में कांग्रेस नेता राजीव त्यागी के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने ट्वीट कर इसकी निंदा की। उन्होंने लिखा, राहुल के प्यार की अभिव्यक्ति, हताश कांग्रेस घिनौनी भाषा से मीडिया पर निशाना साध रही है। अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियंस ने सारी हदें पार कर दी। भारतीय लोकतंत्र में नई गिरावट। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने भी न्यूज 18 के शो आर पार में कांग्रेस प्रवक्ता की अभद्र भाषा की निंदा करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एक ओर कांग्रेस अध्यक्ष चलते सदन में गले लगाकर कहते हैं कि मैं प्रेम की राजनीति का पक्षधर हूं और मेरी भाषा प्यार की भाषा है। दूसरी ओर उनके प्रवक्ता पत्रकारों के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये स्वच्छ राजनीति का कौन सा स्वरूप है। खबर गाजियाबाद से है जहां वसुंधरा में सेक्टर 4 के पास बारिश की वजह से सड़क धस गई है, जिसके बाद आसपास की सोसाइटी के लोगों को घर खाली करने को कहा गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने वार्ता लोक सोसाइटी के लोगों को घर खाली करने के लिए कहा है। कहा है कि नगर निगम को तुरंत किसी भी और मालू बोरी भर करके ला करके कंट्रोल करा जाए वरना समस्या ज्यादा हो जाए। तो कब से ये दिक्कत चल रहा है? सुबह 6 बजे से। 5 साल का खुदा पड़ा है ये गड्ढा। पहले वहाँ पे थी इसमें सारे सीवर जाम है। पानी की कोई निकासी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले 5 साल से यहाँ नालियाँ सब बंद पड़ी हैं। प्रशासन का ना ध्यान, GDA का ध्यान, ना आवास विकास का ध्यान, ये सारी दिक्कतें हैं। 4 में एक सड़क धसी हुई है जो 3 हिस्सों में धसी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस सड़क की, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लगातार ये हाल बुरा है क्योंकि बारिश सुबह से लगातार तेज चल रही है और यहाँ पर के आसपास की जो कॉलोनियां हैं लोगों ने जो है अपने घरों से बाहर निकलकर लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप दूर अगर देख सकते हैं तो ये पूरी सड़क जो है वो धस चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई बालाजी बिल्डर जो है काफी समय से काम कर रहा था, जिसके बाद अब सड़क धसने के बाद इन कॉलोनियों को खतरा पैदा हो चुका है, क्योंकि कॉलोनी की दीवारें जो है वो गिरने के लिए बाउंड्री वॉल जो है वो पूरी तरह से पार हो गई है। घरों के अंदर जो है खतरा बना हुआ है, लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये लोग अपने अपने घरों से बाहर आए हुए हैं क्योंकि यहाँ का हाल बहुत बुरा है। हम भी बहुत खतरनाक जगह पर खड़े हुए हैं क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर ना जाएं क्योंकि यहाँ पर खासतौर से खतरा बरकरार हुआ है। सुबह से तेज बारिश हो रही थी और तेज बारिश की वजह से यहाँ पर ये सड़क धसी हुई है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खतरा बरकरार है। हमें पीछे किया जा रहा है कि यहाँ पर ना खड़े हों क्योंकि यहाँ से लगातार सड़क धस रही है। दूर आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है वो सड़क पर जो है लोग काम करना चाह रहे हैं और खासतौर से मिट्टी हटाई जा रही है क्योंकि सड़क को चलने के लिए काबिल बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई हालात यहां पर दिखने नहीं क्योंकि खतरा लगातार बरकरार है। दीपक बिस न्यूज 18 इंडिया दिल्ली गाजियाबाद। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 के पास की तस्वीरें दिखा रहे थे दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी, जो जानकारी बता रहे थे कि किस तरह से निर्माणाधीन जो इलाका था वहां पर इमारत बनाई जा रही थी, वही हिस्सा सुबह लगातार जो बारिश हो रही है उससे धस गया है और वही हिस्से के साथ साथ जो बगल से सड़क गुजर रही थी वो भी धस गई है। आसपास की सोसाइटी के लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जैसे सड़क धसी है, जैसे वहां पर मलबा इकट्ठा हो गया है, मुमकिन है कि इन इमारतों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर इन सोसाइटी में बसे लोगों को कहा है कि आप खाली घर को खाली कर दें। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 में मैं इस वक्त हूं और यहां पर सुबह से हो रही तेज बारिश में बुरा हाल है। लोगों का काफी गुस्सा है क्योंकि यहां पर देख सकते हैं ये पूरी सड़क धस चुकी है और उसके धसने की वजह से यहां पर जो खतरा बना हुआ है क्योंकि यहां पर एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसके साथ साथ ही यहां पर की जो मिट्टी है वो अपने आप गिर रही है क्योंकि हमें भी बोला गया है कि इससे आगे ना जाएं। ये सड़क का वो हिस्सा ये देख सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की ये आरोप है लोगों का कि यहाँ पर जो है पहले कई सालों से ये जो गहरी खुदाई हुई है इसको यहाँ पर बदस्तूर जारी रखा गया है, लेकिन वो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। वो जगह पर अगर आप देख सक रहे हैं
तो वो जगह पर देखिए पानी बह रहा है वहां पर, और वहां पर भी खतरा बरकरार हो गया क्योंकि दीवारें जो है सोसाइटी है चारों तरफ, और चारों तरफ की सोसाइटियों को खतरा हो गया क्योंकि तेज बारिश की वजह से यहाँ पर सारी जो मिट्टी है वो धंसते जा रही है। लगातार जो गड्ढे यहाँ पर बने हुए हैं वो और खतरा पैदा कर चुके हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ ये देखिए, ये यहाँ पर भी लोगों को जो है आगाह किया जा रहा है कि इस तरफ ना जाएं क्योंकि दीवार गिरने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर जिस तरह से मिट्टी गिर रही है, पानी बह रहा है, तो उससे काफ़ी यहाँ पर लोग परेशान हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर के स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि शासन प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है कि इस चीज़ को पहले से नहीं देखा गया। आप लोग यहाँ पर रहते हैं, ये क्या हुआ, कितने बजे हुआ ये? आज सुबह 6 बजे गिरना चालू हो गया था, ये 7 बजे लगभग, और उससे कंटिन्यू गिरता जा रहा है। हम लोगों ने इसको काफ़ी पानी रोकने के इधर उधर करने की कोशिश भी कर लिया, लेकिन यहाँ पर प्रशासन नगर निगम कुछ नहीं करता। किसकी गलती है ये सारी? ये सारी प्रशासन की गलती है, नगर निगम की गलती है। सारी नाली, सारे सीवर जो है सब बंद पड़े हैं। ये बताइए कि ये जो लैंडस्लाइड हुआ है कहाँ कहाँ पर हुआ है? ये सचिन दत्ता जी बिल्डर हैं जो आजकल पता लगा जेल में है, सचिन दत्ता, उन्होंने इतना गड्ढा खोदा है जो लिमिट से ज्यादा खोदा है। इसमें प्रशासन मिला हुआ, आवास विकास मिला हुआ है, तुम्हारा नगर निगम, सभी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। वो पहले पैसे खाते हैं, फिर पब्लिक को परेशान करते हैं, पब्लिक परेशान होती घूमती है, फिर 10 बार लेटर लिख चुके हैं मुख्यमंत्री को, लेकिन निस्तारित कर देते हैं जी, कोई समस्या नहीं। बारिश लगातार जारी है और बारिश में जारी होने के बाद यहाँ पर खास तौर से ये भी मैं दिखाना चाहूँगा कि जो ये लैंडस्लाइड हो रही है ये यहाँ पर 3 हिस्सों में हो रही है। तो यहाँ पर जो 7-8 बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं इन सबको खतरा पैदा हो गया है क्योंकि यहाँ पर इंतज़ाम जो है रोकने के बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हालात जो है काफ़ी खतरनाक हो गए। अगर कुछ देर बारिश अगर नहीं रुकती है तो यहाँ पर कई बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहना होगा कि शासन को, प्रशासन को ये चीज़ें पहले से देखनी चाहिए थी किस तरह के इंतजाम यहाँ पर होंगे। तेज बारिश यहाँ पर लगातार जारी है, तो कुल मिलाकर कहा जाएगा कि लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो शासन के खिलाफ है, प्रशासन के खिलाफ है। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज 18 इंडिया, गाजियाबाद। दिल्ली NCR में सुबह से हो रही तेज बारिश ने आज लोगों का हाल बेहाल कर दिया। खुद हम भी गाड़ी में हैं और मैं आपको दिखाऊंगा, ये गाड़ी के अंदर हूँ, ये मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा क्योंकि देखिए ये गाड़ी हमारी डूबी हुई है, क्योंकि रिस्क लेकर हम भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये हाल दिखाना जरूरी है क्योंकि सरकार को चेताया जाना जरूरी है। यहाँ से आप देखेंगे इस तरफ की तरफ, ये देखिए ये सब कुछ डूबा सा है। और सबसे अहम चीज़ यह है कि अब मैं इस गाड़ी से चलते हुए आपको दिखा रहा हूँ वो मंजर, क्योंकि यहाँ पर के हाल बड़े बुरे हैं। मैं इस वक्त वसुंधरा में हूँ और वसुंधरा में यहाँ पर पानी को आप देख सकते हैं, यहाँ सब जो हाल है बहुत बुरा है, गलियों का आगे तक आप देख सकते हैं, वहाँ को सब बारिश हो रही है और लोग जो है अपने घरों में दुबके हुए हैं क्योंकि ये पानी जो है धीरे धीरे निकासी नहीं होने की वजह से यहाँ पर इकट्ठा हो गया है और अब यहाँ का हाल काफ़ी बुरा है। इस पानी को देखकर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस कदर पानी भरा हुआ है, पीछे तक आपको अगर दिखाई दूंगा तो ये सब हाल यहाँ की गलियों का है। गाजियाबाद में कमोबेश हर गली का यही हाल है। तो कुल मिला के कहना होगा कि आज जो यहाँ पर की स्थिति है वो काफ़ी डरावनी बन गई है क्योंकि लोगों को घरों से निकलने के लिए यहाँ पर अब डर लग रहा है कि कहीं उनके सड़कों में कहीं पर भी ओवरफ्लो होने के बाद कहीं पर कोई गड्ढे में कोई घुस ना जाए, और यही वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज 18 इंडिया, गाजियाबाद। और सुबह से हो रही बारिश के बाद वसुंधरा के क्या हालात हैं तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन कमोबेश दिल्ली NCR में जो ताबड़तोड़ बारिश हुई है आज सुबह से, जगह जगह जल जमाव की समस्या, और यहां तक कि जो सबसे खतरनाक तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वसुंधरा गाजियाबाद की, जहां पर जो सड़क का हिस्सा है वो तक धस गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिस्ट जुड़ रहे हैं। दीपक, हम देख रहे हैं लगातार ये तस्वीरें डराने वाली हैं, और ये शाबेरी और गाजियाबाद में जो इमारत गिरी है उनकी जो यादें हैं एक बार फिर से ताजा हो जा रही हैं और डर लग रहा है कि कहीं ऐसा हादसा दोबारा ना हो जाए इस बारिश के बाद। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हालात सुबह से बने हुए थे क्योंकि तेज बारिश थी, अभी भी मौसम बना हुआ है, कुछ बूंदाबांदी जरूर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं उसी जगह पर हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, पहले मैं अपनी जगह दिखाऊंगा कि ये पानी भरा हुआ है, ये स्टोरेज होना और यहाँ पर इसकी निकासी का कोई साधन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अब यहाँ पर आवास विकास परिषद की तरफ से टीमें आई हुई हैं, साथ ही दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं यहाँ पर नगर निगम के, वो यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हटाया जाए। NDRF की टीमें हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं ये पूरा तालाब जो बना हुआ है इसके आगे ही सड़क जो है धंसी हुई है। इस मिट्टी को यहाँ पर इसलिए लाया जा रहा है ताकि यहाँ से इसकी निकासी के कुछ यहाँ पर प्रावधान किए जाएँ, लेकिन हालात ये है कि अभी भी जस से तस स्थिति बनी हुई है। यहाँ जो लोग हैं वो घर से बाहर हैं क्योंकि उनको सब बाहर किया गया है ताकि यहाँ पर सुरक्षित रूप से उनको साइड हटाया जाए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आरोप है लोगों का कि प्रशासन जो है इस पूरे मामले में ढीला ढाली बरता है, और यही वजह है कि ये स्टोरेज आप देख सकते हैं दूर पर यहाँ पर
लोगों को वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर सड़क धसी हुई है और आसपास जो कॉलोनियाँ हैं जिनको यहाँ से खाली किया गया, ये वार्ता लोक अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के लगभग 64 फ्लैटों को जो है वो खाली कराया गया है, लोगों को बाहर किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों से हमने बात की तो काफ़ी लोग बचते बचाते यहाँ पर से कन्नी काटते नजर आए क्योंकि इस वक्त हर कोई प्रशासनिक अमला जो है किसी भी फेर में बयान देने से बच रहा है क्योंकि गलती अब मानी जा रही है। जो ये पूरा हादसा हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, ये इस प्लॉट की वजह से, क्योंकि ये जो बोर्ड्स आप देख रहे हैं इसके पीछे जो है काफ़ी बड़ा एक एरिया है जिसको खोदा गया है और ये इस वक्त माननीय कोर्ट के अधीन है क्योंकि यहाँ पर स्टे लगाया गया है और इस पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो गड्ढा खुदा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से धंसनी शुरू हो गई है। इन कॉलोनियों पर खतरा है, इस कॉलोनियों के जितने भी लोग यहाँ के रहने वाले ये सब डरे हुए हैं क्योंकि इनका कहना है कि हमें कहाँ बाहर निकाला जा रहा है लेकिन हमें रखा कहाँ जाएगा, इसका कोई सटीक जवाब अभी तक प्रशासनिक अमला नहीं दे रहा। लेकिन लोग जो हैं अभी भी दहशत में है कि आखिर कब तक हमें जो है यहाँ पर से वापस अपने घर में जाने दिया जाएगा क्योंकि घरों में ताले लगाकर लोग बाहर आ गए हैं। अब यहाँ पर प्रशासनिक अमला जुटा तो जरूर है लेकिन कई घंटों की बरसात के बाद अभी भी यहाँ पर हालात बारिश के बने हुए हैं। अगर फिर बारिश होती है शुरू तो यहाँ पर से निकासी कैसे होगी इस बारे में कहना अभी मुश्किल होगा। दीपक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वाकई में डराने वाली तस्वीरें हैं और लगातार इस बात का अंदेशा बरकरार है कि कहीं कोई और हादसा इस बारिश के बाद ना पेश आ जाए। न्यूज 18 इंडिया पर आप खासतौर से ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये कोई गंगा या नदी का कोई किनारा नहीं है, ये सिर्फ वो सड़क है जो वसुंधरा सेक्टर 4 में चल रही थी और कॉलोनियों के बीच में जाने वाली ये सड़क है। लेकिन आप देख सकते हैं इसका हाल, ये सुबह से लगातार तेज बारिश जो चल रही है उसमें निकासी नहीं होने की वजह से और आसपास जो अवैध कंस्ट्रक्शन है इसकी वजह से ये सड़क पूरी धस चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जिस कॉलोनी के ऊपर मैं टॉप फ्लोर पर आया हूँ उसके नीचे की अगर आप देखेंगे तो ये जो रेलिंग है वो रेलिंग के नीचे की मिट्टी खिसक चुकी है, यानी कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से गिरने के लिए तैयार है और यहाँ पर के लोगों को इस बिल्डिंग से खाली करा दिया गया है। प्रशासन ने हालांकि इंतजाम चौकस रहते हुए जरूर किए हैं लेकिन लापरवाही प्रशासन की है। लोगों का कहना है कि हम यहाँ से कहाँ जाएं क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं तो कॉलोनियाँ जो है आसपास की सब खाली होते जा रही हैं। बिल्कुल कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना घर खाली किया हुआ है, उन्हीं को लेकर छत में आए हैं। आप ये बताइए सर, आपका पहले आप बताइए आपका नाम क्या है और नाम? प्रेम बल्लभ जोशी। कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ। क्या कहा गया? कहा किसी ने कुछ नहीं किया। मैं सुबह 6:30 बजे उठा हूँ तो मैंने देखा सड़क पानी बरसात हो रही है, रोड कट रही है, तो मैं सुबह जैसे ही उठा मैं छत पर आया, देखा तो मैंने जितने हमारे ब्लॉक में 16 आदमी रेजिडेंट्स हैं सबको मैंने एक एक करके बोला कि आप जो है बच्चों को लेकर के आप सुरक्षित जगह पे चले जाओ, सामान अपना छोड़ दो और सब बच्चे सब इधर उधर गए हुए हैं। प्रशासन को आज से 5-7 दिन पहले लेटर दिया गया था जिसके बारे में अमर उजाला अखबार में परसों खबर भी आई थी, किंतु उसके बाद भी प्रशासन ने कुछ नहीं करा। बिल्डर द्वारा गड्ढा खोदा गया 50 फुट गहरा, करीब 6 साल हो गए हैं और वो मामला जो है कोर्ट में स्टे हो रखा है उसके उससे। अब जिस तरह से सड़क धस, नोएडा के सेक्टर 2 में भी गाजियाबाद में वसुंधरा की ही तरह हादसा हो सामने आया है जहां सेक्टर 2 इलाके में सड़क धंसने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बारिश की वजह से सड़क धंस गई है और ये हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा सेक्टर 2 में जहां हादसा हुआ है, जहां बारिश हुई है और उसके बाद सड़क धंस गई है। भारी बारिश लगातार आज सुबह से हो रही थी और कई घंटे बारिश होने के बाद हालात ये जगह जगह सामने आ रहे हैं। जहां वसुंधरा में भी सड़क धंसी है वहीं दूसरी तरफ नोएडा सेक्टर 2 की ये तस्वीरें जहाँ सड़क धंस गई है। सुबह से हो रही तेज बारिश ने गाजियाबाद के कई अलग अलग इलाकों में सड़कों को धंसा दिया है। जमीन के अंदर सभी सड़कें धंसी हुई हैं तो जिसमें से एक और जगह है सेक्टर 2, क्योंकि 4 के बाद हालात अब सेक्टर 2 में भी इसी तरह के हैं कमोबेश। यहां पर आप देख सकते हैं ये सड़क धंसी हुई है और इस सड़क को धंसने के बाद यहाँ पर आसपास बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर की निर्माणाधीन बिल्डिंग को है क्योंकि जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वो इस सड़क के धंसने के बाद अब खतरे में है क्योंकि यहाँ पर हालांकि बैरिकेडिंग की गई है, निर्माणाधीन बिल्डिंग को रोका नहीं गया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 मंजिला ये इमारत बन रही है। इस इमारत को खतरा इसलिए है क्योंकि इसकी जो नींव है, जो बुनियाद है, वो इस सड़क से जुड़ी हुई है और यही वजह है कि अब यहाँ पर किस तरह से रोकथाम होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हालात जो हैं वो खतरनाक है क्योंकि इसके आसपास के लोगों को यहाँ पर से हटाया गया। इस बिल्डिंग पर खतरा जो है इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इससे जुड़ी हुई है और इसकी नींव जो है इसी जगह से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर ये जो पाइपलाइन है वो तक दिखाई दी है और अंदर तक लगभग 30 फीट के आसपास यहाँ पर जो है वो पूरे नीचे घुस गई है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से लगातार
सड़कों में जिस तरह से यहाँ पर सड़कें धंसी हैं, तो उससे ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले समय में यहाँ पर जो है खतरा बरकरार है। लेकिन प्रशासन किस तरह के इंतजाम करता है, क्या इनको रोकने के लिए कुछ किया जाएगा, ये देखना बाकी होगा। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज 18 इंडिया, गाजियाबाद। और भारी बारिश की वजह से गाजियाबाद में यूपी गेट पर दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले एलिवेटेड रोड पर पानी भर गया है, जिसके बाद एलिवेटेड रोड पर लंबा जाम लग गया है। ये वही एलिवेटेड रोड है जिसका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी साल 30 मार्च को उद्घाटन किया था। तो यहां पर भी पानी भर गया है और देखिए कैसे पानी के बीचों बीच गाड़ियां गुजरती हुई नजर आ रही है। राजनगर में एलिवेटेड रोड पर भारी पानी आज सुबह हुई बारिश के बाद जमा हो गया। दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाली ये रोड है जहां पूरी तरह से पानी नजर आ रहा है। तो फ्लाईओवर बना, स्विमिंग पूल, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आपके दिख रही हैं, पूरा का पूरा जो फ्लाईओवर है पानी से लबालब नजर आ रहा है। ये वो तस्वीर है आज दिनभर की सबसे बड़ी तस्वीर आज की बनने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पानी ये नजर आ रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इन साइड्स में जो रेलिंग है इसके बीच में सड़क भी गुजरती है। ऐसा लग रहा है कि किसी स्विमिंग पूल की तस्वीर है जिसमें से गाड़ी गुजरती हुई दिख रही है। बहुत ही खतरनाक तस्वीर है। भारी बारिश की वजह से गाजियाबाद में यूपी गेट पर दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले एलिवेटेड रोड पर पानी भर गया है। वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 मार्च को इस रोड का उद्घाटन किया था। फ्लाईओवर बना, स्विमिंग पूल, इसकी तस्वीरें और साथ ही उद्घाटन की तस्वीरें जब योगी आदित्यनाथ ने बहुत जोश और खरोश के साथ इस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था। मैं इस समय यूपी गेट के पास हूं और यूपी गेट के पास आप देख सकते हैं ये गाड़ियां, ये वो सड़क है जो कुछ समय पहले ही खोली गई थी और अब इन गाड़ियों को देखकर आपको लग रहा होगा क्योंकि ये गाड़ियां पूरी तरह से आधी डूब चुकी हैं। बावजूद इसके भी लोगों को अपने दफ्तर जाना है और यही वजह है कि ये जो फ्लाईओवर है ये राजनगर से आ रहा है और राजनगर का ये पूरा फ्लाईओवर है क्योंकि यहाँ पर भयंकर जाम लगा हुआ है और पीछे तक गाड़ियाँ जो है वहीं से वापस लौट रही हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ये सड़क नहीं दिखाई देगी। ये सड़क पूरी तरह से यहाँ पर डूब चुकी है जिसकी वजह से लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ये बगल में जो पानी है वो है और साथ ही लोगों की जो अस्तव्यस्ता है वो चरमरा गई है क्योंकि लोग जो है कुछ लोग यहाँ पर देखना भी जा रहे हैं क्योंकि ये जो सड़क है यहाँ पर आप गंदा पानी देख सकते हैं क्योंकि अब वाटर लॉगिंग का हाल ये है कि इस सड़क के ऊपर ये पानी है। यहाँ पर जिस तरह से राजनगर एक्सटेंशन से यूपी गेट तक ये पूरा फ्लाईओवर नया बना हुआ था और यहाँ पर खास तौर से इसकी निकासी होनी चाहिए थी, लेकिन सड़क को किस तरह से बनाया गया, किस तरह से डिजाइन किया गया, ये इसका हाल है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी सड़क नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये जो मशीनें हैं वो यहाँ पर डूबी हुई हैं और काम करने का जो तरीका है लोगों का, खास तौर से सरकारी तंत्र ने जिस तरह से बनाया है ये नक्शा, उसके बाद ये ज़रूर देखा जाएगा कि आखिर यहाँ पर किसकी गलती है क्योंकि राजनगर से लगभग 14 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर बनाया गया था और यहाँ पर ये यूपी गेट पर मिलना था, यहाँ से दिल्ली की ओर आप जा सकते हैं। लेकिन अभी जिस हालात में ये पानी है और यहाँ पर अब हालत बहुत खतरनाक हो चुकी है, तो कुल मिला के कहना होगा कि बारिश के पानी ने आज जहाँ ओवर पूरी सड़कों को जो है पूरा डुबा दिया है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए भारी परेशानी हुई। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।